एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और हम हैं एकदम फिट एंड फाइन। तो हम रेडी हैं सुबह निकलने के लिए। टाइम जो है वो 10:30 का हो चुका है और हम चलने लगे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में आज फिर कुछ काम है और हमारे साथ जा रही हैं शीतल। आज भी हम जाएंगे स्कूटी पे क्योंकि जाना वहीं है जहां हम कल गए थे। छोटी गलियां, तंग गलियां, पार्किंग प्रॉब्लम, सब कुछ। तो बस अब निकलते हैं और फटाफट मिलते हैं आपको दिल्ली में। रिवर्सिबल जैकेट चाहिए तो स्लीव वाली ना, उसके लिए डेनिम नहीं, ऐसे टाइप की जैकेट चाहिए, मतलब विंटर पाने वाली, उससे टाइप भी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उससे टाइप भी चाहिए, विंटर जैकेट चाहिए प्रॉपर है। वो डिज़ाइन में कलर जान, प्राइस की रेंज की ना दी? अभी दुकान अपने खोली नहीं है पूरी, जल्दी आ गए हम लोग। साइज चल जाएगा, ये चल जाएगा। वैसे नाप के देख लो, जैसे तुम नापते हो आएगा तो ये वाला सही, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ में सही रहेगा, ये फिट आएगा जैसे कह रहे हैं। तो ये वाला साइज देख लो, ये साइज में ही दिखा दो। तो हम आए थे लाल क्वार्टर में न्यू फ्रेंड सेंटर और इसकी जैकेट खरीदने के लिए। तो खरीद ली हमने जैकेट और अब चलते हैं घर। बड़े दिनों बाद दिल्ली आज इस मार्केट में गया हूँ। ये मार्केट है लाल क्वार्टर में और इसका नाम है फ्रेंड सेंटर। यहाँ पे हर तरह के जेंट्स क्लोथिंग मिल जाते हैं आपको, रीजनेबल और बढ़िया। तो जी बात ऐसी है कि अब टाइम जो हो गया है वो अर्श को स्कूल से लाने का हो गया है और उससे पहले गुरुद्वारे के दर्शन भी करने हैं और हो रही है बरसात। आज मैं दिल्ली गया था तो रास्ते से शुरू हो गई थी वापस आते हुए। वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन अर्श को लाना भी ज़रूरी है तो गाड़ी इसीलिए निकाल रहा था मैं कि चलो अर्श को ले आते हैं और उसके बाद फिर, और उससे पहले मतलब बात को तो नहीं, उससे पहले गुरुद्वारे मत्था टेक लेते हैं। अर्श को ले आना, वेदर जो है वो काफ़ी सुहाना हो चुका है, ठंड है आज, बरसात हो रही है, मज़ा भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है। वैसे तो ठंड बढ़ने वाली है और भी, आज मैंने फोरकास्ट देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा डर पता है किस चीज़ का है, कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में भी काफ़ी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होगा, काम वाम थोड़े से स्लो हैं इस वजह से, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये देखो मौज ले रहा है, आज इसको सरप्राइज ही मिला है बहुत बढ़िया सा। टी विद एडिटिंग और विंटर्स में चाय, यू नो, एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी पी सकते हो। और आज तो वेदर भी ऐसा है कि इस चाय के साथ अगर पकोड़े होते ना तो बल्ले बल्ले हो जाती, बल्ले बल्ले। लेकिन ज्यादा फैट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वेट जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक्सरसाइज भी डेली नहीं हो पा रही है, तो बस चीज़ें ऐसे ऐसे ही हो रही हैं। लेकिन अब मेंटेन करना है, थोड़ी टाइट स्ट्रिक्ट फॉलो करनी है कुछ दिन, जो कि मैं शायद आज से या कल से शुरू कर दूंगा। एनी हाउ साइकिलिंग कर रही है क्या तू आज? ठंड ज़्यादा नहीं है आज? कीचड़ भी है रोड पे, ध्यान से चलाइयो कहीं साइकिल स्लिप ना हो जाए तेरी साइकिल कहीं। अरे वाह, ये क्या बन गई है तू? क्या साइकिलिंग करके दिखा रही है? चलाइए साइकिल। 10 मिनट चलो। 10 मिनट में कितनी कैलोरीज कम करके आई है? 0.02% अच्छा, कितने में से? हजारों में से। फिर तो जरूर हो गई तू। आ चल आ ऊपर चल, तेरे को एक चीज दिखाऊं। अरे मेरा ना मन नहीं कर रहा था बैडमिंटन ऐसे ऐसे खेलने का, मैं सोचा साइकिल ही चला लेती। बड़ा अच्छा किया तूने, वैसे साइकिल बहुत अच्छी चीज है चलाना। देखो देखो कितना कोरोना फैल रहा है ना, ओमिक्रॉन, ये क्रोन, वो क्रोन, नीचे क्रोन, ऊपर क्रोन, इधर क्रोन, उधर क्रोन, है ना? तुम गली में देखो सारे बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं।
रहा है और इनका एक प्यारा बेटा भी जो इनके लिए प्यारा है मेरे लिए, हाँ वो भी खेल रहा है उन इतने लाखों बंदों के साथ। और ना मैं सोचा मैं अपनी सेफ्टी कर लेती हूँ, साइकिल चला ली और मास्क पहन ही रखा। कहते हैं कि साइकिल चलाने में मास्क नहीं पहनते, पर मैं एक्स्ट्रा सेफ कट सेफ्टी रखती हूँ, उसमें मास्क पहन के चलाई। टाइम पता है क्या हो रहा है? कल से स्कूल ऑफ है? नहीं, कल क्या है? 29th है ना कल, तो वो थोड़ा ना विंटर वेकेशंस कब से हो रहे हैं तेरे? अच्छा विंटर वेकेशंस, मेरे को लगा कोरोना की वजह से बंद हुई, मैं सोचूं मैं जा तो रही नहीं हूं, बंद क्यों? कोरोना की वजह से भी अभी तो दिल्ली में पंगा शुरू हुआ है, यहां तो कुछ नहीं है। तो फर्स्ट टाइम अगले मंडे से सिर्फ एक वीक की है। वो सबके इतनी है, अर्श के भी इतनी है। अर्श के 6 को स्कूल खुल भी जाने हैं। 8th को खुलना है? 6th को खुलना है। तो कब अर्शवर की विंटर वेकेशन हो चुकी है? कब से? कल से स्टार्ट। वाह, मतलब 2 हफ्तों की? 1 हफ्ता। कैसे? 29th, 30, 31st, 1, 2, 3, 4, 5, 6th को खुल जाना स्कूल। 8 हॉलीडेज है सिर्फ, तेरे भी उतनी ही है। ये मुझे बोल रही है कि बड़े पापा आप मेरे साथ ना पंजा लड़ाओ, मैं आपको हरा दूंगी। मैंने कहा चल आजा, चल पंजा लड़ाते हैं बाहर बैठ के। तो आर्म रेसलिंग करते हैं सहज के साथ, इसको हराते हैं। इसकी बाजू दर्द ना करी ना, तो जो मुझे ले लेना तो करनी जरूरी है, फिर रहने दो। चलो चलो आ जाओ। 1 2 3 नहीं नहीं इनको दिखाई कर रहे हैं, मेरा हाथ ऊपर है, बस देखना। 1 2 3 अब हमें क्या करना है, ये ऐसे करेंगे ना, मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ठीक है। और ना मैं को बड़े पापा का थंब पकड़ना है, ऐसे नीचे ऐसे तो करना है, और उसके बाद 5 तक काम करना है, 5 सेकंड तक स्टॉप करके रखना। हाँ, अगर 5 सेकंड तक आप रुक गए वहीं उसी जगह पे, मतलब मैंने आपको रोक के रखा, तो मैं जीत जाऊंगी और आप, और मैंने नेल निकाल लिया तो मैं तेरा रोकूंगा। यस ठीक है, चलो 1 ओके 3 2 उनको भी तो दिखना चाहिए। 3 2 1 गो। आज मजा आया सहज का, उधर दवाई थी इसका मजा आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलेंगे आपको कल एक नए ब्लॉग में। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। या अपनी उंगलियों को योगा करते रहे इसी तरह जैसे करते आ रहे हो आप, है ना। और ये हमेशा याद रखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। सो लिव योर ड्रीम, लिव योर पैशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।
गुड बाय। बोल आगे, मिलेंगे आपको एक अगले एक नए व्लॉग में। अरे दांत फाड़ ले। ऐसे नहीं बोलते। हाँ चल शुरू कर। ओके आप बोलो पहले। नहीं तू कर, करते हैं वीडियो को यहीं एंड।